कृषि अध्यादेश पारित करने को लेकर किसानों में आक्रोश है। वहीं गन्नौर में भी किसानों ने रेलवे स्टेशन से लेकर लघु सचिवालय तक पदयात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए सोनीपत से आदेश त्यागी की यह रिपोर्ट। सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश जो पास करें दोनों सदनों में, इन के खिलाफ किसानों का आज प्रदर्शन था। एक किसान कर्फ्यू के नाम से था। आज का ये आंदोलन पूरे भारत में है। हमने भी यहाँ गन्नौर में मतलब रेलवे स्टेशन से और अपना मिनी सेक्रेटरी तक अपना प्रदर्शन कराया है। राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। जो ये काला कानून ने पास कराया, ये किसान के हक में नहीं है। ये सारा पूंजीपतियों का इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा भी समाज आएगा भाई खाद्यान्न की जो कमी पड़ेगी तो पूंजीपति लोग वो धन नहीं देंगे खाने के लिए। देश में तराई तराई माच जाए, किसान के को मतलब काफ़ी घाटा हो रहा है। हम इन देशों के खिलाफ ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रणनीति क्या रहेगी तो तस्दीक रहेगी? ये कई दिन से अपना प्रोग्राम चला है अध्यादेशों के खिलाफ। आज पूरे भारत का ये प्रोग्राम रहा अपना किसान कर्फ्यू के नाम से। 27 तारीख को परसों के दिन दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक होगी जिसमें अगली रणनीति के ऊपर विचार किया जाएगा। जी जी, प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूरी तैयारियां हैं। हम सवेरे से ही पुलिस प्रशासन पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के साथ हम पूरा टीटी रोड और ये कन्नौर सर्विस जो भी मेरे एरिया पर हम विजिट किया है। यहाँ बिल्कुल शांतिप्रिय माहौल है। अब कुछ किसान आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हम सरकार को भिजवा देंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।